hello students welcome back again this is lalita fadale your science teacher today i am going to explain you lesson number 6 the green plants okay so first of all i will show you one picture just see yes what is this this is one leaf can you tell me what is the color of this leaf can you tell me yes it's green right so what's the color of this leaf it's green isn't it so why is it green anybody know why is it green in color see most of the plants on the earth are green plants right they appear green due to the presence of a green substance kyun hota hai kyunki leaves ke andar kaun sa substance present hota hai green substance that is called what chlorophyll और chlorophyll होने की वजह से सारे plants कैसे नजर आते हैं आपको green कलर के Okay? Chlorophyll कहाँ पे प्रेजेंट होता है In the leaves. ओके देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स इज एट इट सो प्लांट्स कैन बी आईडेंटिफाई बाई लुकिंग एट देअर लीव होता है ना उनके लीव्स देख के हम पता हमें पता चलता है कि ये कौन से प्लांट का लीव है या फिर कौन से ट्री का लीव है ओके सो हियर आई विल शो यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव सो लेट सी नीम ट्री विथ नीम लीवस

वेन्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस वेन्स जो है वो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है तो कौन सा सब्सटेंसेस लाइक वाटर मिनरल्स एंड प्रिपेड फूड कहा से कहा तक ट्रू एंड फ्रॉम द लीफ लीफ की तरफ से लाना है कोई सब्सटेंस तो या फिर लीफ की तरफ से दूसरे जगह पे पहुंचाना है तो वो कौन काम करता है वेन्स और ये जो लीफ है उसके अंडर साइड में भी उसके अंडर साइड में क्या होता है द अंडर साइड ऑफ लीफ कंटेन्स मिलियंस ऑफ टाइनी ओपनिंग्स ये जो लीफ है उसके अंडर साइड में बहुत सारे टाइनी ओपनिंग्स होते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ सो लेट सी ओके तो मैंने अभी आपको बताया ये जो लीफ है उसके अंडर साइड में मैंने क्या बताया था लीफ के अंडर साइड में तो अभी उसको उस लीफ को मैंने उल्टा किया है ना तो उसके अंडर साइड में क्या होता है अंडर साइड में उसकी बैक साइड में नीचे वाली जो साइड में क्या होता है कंटेंट्स मिलियंस ऑफ टाइनी ओपनिंग्स बहुत सारे मिलियंस ऑफ टाइनी टाइनी ओपनिंग्स ओपनिंग्स में छोटे छोटे होल रहते हैं ओके दीज टाइनी ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्टोमेटा यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया है यहाँ पे बहुत सारे होल रहते हैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताया है दैट इज कॉल्ड व्हाट स्टोमेटा दैट इज कॉल्ड व्हाट स्टोमेटा सो व्हाट इज द वर्क ऑफ स्टोमेटा

Functions of a leaf. Leaf कौन से फंक्शन से कर पाते है ओके okay? या फिर करते हैं फंक्शन वन द लीव ऑफ अ प्लांट मेक्स फूड जो प्लांट में जो लीफ होते है वो क्या बनाते हैं फूड बनाते हैं ओके दैट मींस फूड बनाने का काम कौन करता है लीफ या फिर लीव ओके देर फोर इट इज कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट फूड बनाने का काम कौन करता है लीफ़ या फिर लीव्स करते हैं दैट्स इट कॉल्ड द फ़ूड फैक्ट्री ऑफ़ अ प्लांट या फिर किचन भी बोला जाता, भी कहा जाता है, okay? that, अभी अभी मैंने बताया आपको राइट right? क्या बताया मैंने आपको इट हेल्प्स अ प्लांट टू लेट एयर इन एंड आउट थ्रू स्टोमेटा है ना मैंने आपको अभी स्टोमेटा का पिक्स दिखाया था स्टोमेटा का एक पिक्चर मैंने बट दिखाया था आपको तो ये लीव्स के कहाँ पे होता है अंडर साइड में होता है वहां से एयर इन एंड आउट करने का काम होता है राइट right? राइट right? तो वहां से ब्रीदिंग का काम होता है लीव्स का है ना तो ये भी एक फंक्शन हो गया लीव्स का ओके सो हाउ डू लीव्स मेक फूड लीव्स फूड कैसे बनाते हैं ओके okay? कैसे बनाते हैं लीव्स अपना फूड कैसे बनाते हैं

दे यूज लाइट फ्रॉम द सन ओके कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर राइट एंड वॉटर फ्रॉम द सॉइल ये रॉ मटेरियल चाहिए उनको टू मेक दियर ओन फूड कौन से कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए लाइट फ्रॉम द सन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वॉटर फ्रॉम द सॉइल यहाँ पे जो सॉइल है है ना वॉटर फ्रॉम दॉइल ये रॉ मटेरियल्स चाहिए उनको टू मेक दियर फूड Okay? So, अभी ये पूरा प्रोसेस में आपको बताऊंगी किस तरह से वो अपना फूड बनाते हैं ये रॉ मटेरियल्स चाहिए अभी ये रॉ मटेरियल्स का यूज वो किस तरह से करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट वाटर ओके वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द रूट्स वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है बाई द रूट्स यहाँ पे सॉइल के नीचे रूट्स होते हैं ना उनके राइट सो वॉटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एब्सॉर्ब किया रूट्स ने एंड देन वो बा, उसके बाद वो क्या करेगा कैरिड थ्रू द स्टेम्स स्टेम्स की तरफ लेके जाएगा और फिर बाद में धीरे धीरे लीव्स की तरफ लेके जाएगा है ना वॉटर इज एब्सॉर्ब बाई द रूट्स एंड कैरिड थ्रू वॉट कैरिड थ्रू द स्टेम्स एंड टू दीवस ओके टू दीवस ओके ये हो गया वॉटर आफ्टर दैट सनलाइट वेन लाइट फॉल्स ऑन द लीव्स

एंड इस तरह से वो फूड बनाते हैं अपना ओके ओके आफ्टर द फूड फूड इज इज जैसे ही बन जाता है ऑक्सीजन गिवन आउट स्टोमैटो के थ्रू से क्या बाहर आ जाएगा ऑक्सीजन इज गिवन आउट थ्रू स्टोमेटा ओके तो स्टोमेटा का वर्क मैंने बताया था ही वैसा आपको दे चेक इन एंड गिव आउट एयर ओके और क्या है दे रिमूव वॉचो वेपर एंड ऑक्सीजन जैसे मैंने अभी बताया आफ्टर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द प्लांट तो ये सारा प्रोसेस मैंने क्या बताया कौन सा प्रोसेस था ये फोटोसिंथेसिस ओके ये कौन सा प्रोसेस बताया मैंने फोटोसिंथेसिस जिसकी वजह से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं ओके तो क्या बताया था मैंने आपको फोटोसिंथेसिस वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द प्रोसेस बाय विच लीव्स यूज सनलाइट है ना क्या कन्वर्ट करने के लिए टू कन्वर्ट वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंटू फूड इज कॉल्ड वॉट फोटोसिंथेसिस वेरी इजी

Is जो फूडोसिम दीव टू दार्ट ऑफ द्लांट ओके तो ये प्लांट के अदर पार्ट्स को भी पहुंचाने का काम कौन करेगा प्लांट्स के अदर पार्ट्स को भी पहुंचाने का काम होना चाहिए तब जाके उसका ग्रोथ होगा कौन करता है वो द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द प्लांट फूड फ्रॉम द लीव की तरफ से लेते हैं और कहां दिस फूड फॉर इट्स डेली एक्टिविटीज जो उन्होंने ने फूड बनाया उसका कुछ यूज प्लांट्स करेंगे अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए तभी तो वो ग्रो होते हैं है ना एंड स्टोर्स द एक्स्ट्रा फूड और जो बचा हुआ जो एक्स्ट्रा फूड है वो स्टोर करेंगे एज स्टार्च जो स्टोर किया हुआ फूड है उसको क्या कहेंगे हम लोग स्टार्च इन इट्स डिफरेंट पार्ट जैसे कि पटेटो ये स्टोर फूड है जो हम खाते हैं है ना जो हम खाते हैं ये स्टोर फूड हो गया पटेटो में एक्स्ट्रा फूड स्टोर किया तो वो पटेटो में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है तो एक्स्ट्रा फूड कौन खाते हैं हम लोग खाते हैं राइट नाउ इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इसका मतलब क्या हो गया इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट मीन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है बहुत सारे वेज में इन मेनी वेज ओके सो हियर सी फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट्स ये ग्रीन प्लांट्स है ओके ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड ओके ग्रीन प्लांट्स सबसे मेन प्रोड्यूसर्स है फूड के है ना तो उसको कौन खाता है प्राइमरी कंज्यूमर उसको कौन खाता है जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है बट मैं आपको एक एक बताऊंगी आपको यहाँ पे ओके okay? ये कौन है ग्रास उसको खाता है प्राइमरी कंज्यूमर हो गया ग्रास ओपर को कौन खाता है फ्रॉग दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर राइट आफ्टर दैट फ्रॉग को कौन खाएगा स्नेक दिस इज टेरिटरी कंज्यूमर ओके स्नेक को कौन खाएगा हॉक या फिर ईगल दिस इज द फाइनल कंज्यूमर ओके दिस इज द फाइनल कंज्यूमर अभी जब इसका डेथ हो जाएगा तो पूरा बॉडी इसका डीकोज डीकोज हो जाएगा राइट दैट मीन वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स बन जाएगा उसका और फिर यही न्यूट्रिएंट्स फिर से प्लांट्स को ग्रो होने में है ना हेल्प करेंगे राइट ओके सो क्या हो गया चेन ये जो पूरा ये पूरा चेन बन गया ये पूरा चेन बन गया है ना चेन एग्जिस्ट इन नेचर फॉर ऑप्टेनिंग फूड इज एंड इट

अगर कोई एक दूसरे को खाएगा ही नहीं तो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा ये सारे एनिमल्स का इंसेक्ट का इम्बैलेंस हो जाएगा है ना पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा कोई किसी को खाएगा नहीं है ना इफ देर इज अडन इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स तो क्या होगा द बैलेंस इन नेचर विल बी है ना तो फिर ये नेचर के लिए अच्छा नहीं है ओके नाउ प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड दट एनिमल्स गिव आउट है ना एनिमल्स या फिर ह्यूमन क्या गिव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वो यूटिलाइज कौन करता है प्लांट्स है ना फोटोसिंथेसिस में बताया था आपको मैंने एयर में से क्या लेती है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो आउट किसने किया होता है एनिमल्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस ओके आफ्टर दैट एंड ह्यूमंस ब्रीद इन ऑक्सीजन रिलीज बाई प्लांट्स प्लांट्स रिलीज क्या करता है रिलीज क्या करता है ब्रीद आउट क्या करता है प्लांट्स ऑक्सीजन वो भी मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में बताया था जब भी उनका फूड प्रिपेयर हो जाता है तभी प्लांट्स क्या रिलीज करता है ऑक्सीजन जो किसको जरूरी है जो कौन लेता है ब्रिदिंग कौन करता है उसको अंदर कौन लेता है एनिमल्स एंड ह्यूमंस हम लोग लेते हैं ना ऑक्सीजन है ना ओके नाउ एनिमल्स ऑप्टन फूड फ्रॉम प्लांट्स फूड के लिए भी बिल्कुल एनिमल्स डिपेंड है एनिमल्स एंड प्लांट्स है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ओके सो इन दिस वे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर ओके